इस आइडियोलॉजी को में बिलीव करते हैं उसको प्लीज फॉर योर कमेंट्स एंड कमेंट्रीज विद रिगार्ड्स टू द स्टेटमेंट्स यू हैव हर्ड फ्रॉम आवर कॉलीग्स। एक्सलेंसीज, ब्रिक्स के विभिन्न संस्थानों द्वारा इस ब्रीफिंग के लिए धन्यवाद। ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की 10वीं बैठक की समीक्षा के लिए मैं मिस्टर पात्रुशेव को धन्यवाद देता हूं। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी का फाइनलाइजेशन अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मेरा सुझाव है कि हमारे एनएसए एक काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान पर चर्चा करें। मैं ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के अस्थाई अध्यक्ष मिस्टर सर्गेई कात्रिन का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मुख्य जिम्मा निजी सेक्टर के ही हाथ होगा। मेरा सुझाव है कि ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल हमारे आपसी व्यापार को $500 बिलियन के लक्ष्य तक ले जाने के लिए एक कॉन्क्रीट प्लान बनाए। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष का पदभार संभालने के लिए मैं मिस्टर मार्कोस ट्रॉइजो को बधाई देता हूं। एनडीबी का फाइनेंसिंग सपोर्ट कोविड के संदर्भ में और भी उपयोगी रहेगा। मुझे खुशी है कि एनडीबी ने रूस में ऑफिस खोला है और मैं आशा करता हूं कि अगले वर्ष आप भारत में अपना रीजनल ऑफिस भी आरंभ करेंगे। मैं मिस्टर ईगर शुवालोव को ब्रिक्स इंटरबैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म के कार्य के लिए भी बधाई देता हूं। यह खुशी की बात है कि हमारे विकास बैंकों के बीच प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल फाइनेंसिंग इस पर सहमति हो गई है। ब्रिक्स वुमेन्स बिजनेस अलायंस का आयोजन राष्ट्रपति पुतिन की विशेष प्राथमिकता थी और उनका यह विजन अब सफल हो गया है। मैं अलायंस की चेयरपर्सन मिस एना नेस्तेरोवा को उनकी रिपोर्ट के लिए धन्यवाद देता हूं। हम भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के कई प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि इस अलायंस के जरिए इस क्षेत्र में इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन बढ़ेगा। एक बार फिर आप सभी को, विशेषकर हमारे मेजबान राष्ट्रपति श्रीमान पुतिन को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। आई गिव द फ्लोर ओवर टू द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना सी जिनपिंग। ओवर टू यू।